मॉडल टाउन विधानसभा के एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मॉडल टाउन में कार्यरत सैनिटरी इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित रविंद्र कुमार गुप्ता, जो दिल्ली नगर निगम के मॉडल टाउन में सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है, इनका आरोप है कि मॉडल टाउन से आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और उनके कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है। सफाई के लिए तुम सफाई नहीं कराते हो वहाँ पे, चलो देखो सफाई कैसी हो रही है। जो मैंने सर करा देंगे, कोई बात नहीं है सर, ये यहाँ पर काम नहीं कराते हो, मैं तुम्हें नौकरी करनी सिखाऊंगा। तो उन्होंने फिर इसे इतने में मेरे डंडा उठा लिया, फिर थप्पड़ मारे यहाँ पर, जो घूंसे थप्पड़ मारे, घूंसे मारे टांग में यहाँ पर इस जगह पर। जो कौन व्यक्ति था जिसने, 6-7 जने थे वे जो, और एक उनका मेरा नाम नहीं पता, अखिलेश पति त्रिपाठी जी का तो नाम मुझे पता है, एक उनका ड्राइवर था और वहाँ पर, और एक जो उसका एक था गुसाई नाम की, मुझे पता है जी। आपके साथ उस समय और कोई नहीं था मेरे साथ जी, कोई नहीं था मेरे साथ। दरअसल रविंद्र कुमार गुप्ता अपने कार्यालय में दोपहर के समय बैठे हुए थे, उसी समय विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली नगर निगम कार्यालय गए और उन्हें बुलाकर अपने साथ लाल बाग एरिया में ले गए। थोड़ी देर बाद जब रविंद्र कुमार गुप्ता वापस आए तो उनके कान से खून बह रहा था और उन्होंने बताया कि विधायक और उनके साथियों ने उनके साथ मारपीट की है। जी ऐसा था, हमारे एसआई साहब थे रविंद्र कुमार गुप्ता जी एमसीडी से, जो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, और एमएलए जी साहब क्या कहते हैं 2 बजे के आसपास कहीं से आए हैं और आके उन्होंने आते हमारे एसआई साहब को बाहर अंदर से ऑफिस से बुलाया और बुला के वो झुग्गियों की तरफ ले गए, जहाँ झुग्गियाँ पड़ती थी वहाँ पर एक जगह पे, वहाँ ले गया और उन्होंने कहते वहाँ जाके ऐसा किया कि उनको क्या बदतमीजी हुई है। मैं उस समय मौके में मौजूद नहीं था, लेकिन उनके कान से जो खून बहता हुआ है जब वो आए हैं बाहर निकल के, ठीक है। और यहाँ तो उन्होंने एमएलए के आदमियों ने कौन से हॉस्पिटल में भेज जी, जगजीवन राम में एमएलसी कटने के लिए गई है उनकी, जगजीवन राम में ले गए हैं। पूरा मामला मॉडल टाउन चौकी नंबर 4 इलाके में सफाई को लेकर गर्मा गया। जब इस बारे में मॉडल टाउन आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी से बात करने की कोशिश की गई तो उनके पीए ने फोन पर बताया कि विधायक साहब तो 2 बजे के बाद कोर्ट गए हैं, लेकिन जब सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट की बात की गई तो उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ काम के बारे में बताया था, मारपीट करने का आरोप बेबुनियाद है। सफाई कर्मचारी की ओर से हमारे एक साथी के ऊपर हमला किया गया जिसको इलाज के लिए जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया जहां पर इसका इलाज चल रहा है। मैं वीडियो बना रहा था और उन्होंने मेरे वीडियो फोन छीन लिया, फिर वीडियो डिलीट कर दिया, उनको थप्पड़ मारा कान पे जिसके कारण उनके खून निकलने लगे। मैं वहां पे मौजूद नहीं था, बाद में गया था तो वहां से हमारे इंस्पेक्टर साहब जो भागे भागे आ रहे थे झुग्गियों की साइड से, चौकी नंबर 4 से, उनकी कमीज खिंडी हुई थी तो मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि मेरे को एमएलए ने थप्पड़ मारा। हम वहाँ गए तो वहाँ पे हमें पब्लिक इकट्ठी हुई मिली, 2-4ों ने बताया हमें कि हाँ तुम्हारे इंस्पेक्टर साहब के साथ ऐसा हुआ है। क्या हुआ है, किसने मारा है? एमएलए ने, अखिलेश त्रिपाठी ने मारा है, थप्पड़ मारा, मिसबिहेव किया बहुत ही ज्यादा, गाली भी बहुत दी उन्होंने। जिस तरह से ब्लड वगैरह की बात करी जा रही है, क्या वो पूरा मामला हो? उनके थप्पड़ मारा उन्होंने यहाँ पे। रविंद्र कुमार गुप्ता और चश्मदीद की माने तो विधायक और उनके साथियों ने उनके साथ मारपीट की है, लेकिन दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब पूरे मामले में कितनी सच्चाई है इसका फैसला तो डॉक्टरों की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के साथ विधायक और उनके कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है, यह विधायक और उनके कार्यकर्ताओं पर कई सवाल खड़े करता है। आदर्श नगर थाना पुलिस दोनों तरफ के बयान लेकर जांच में जुटी हुई है। दिल्ली से भावुक शर्मा की रिपोर्ट।